नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सामान अंदर ले आना जी। आग लग गई? नहीं आग नहीं लगी, एक ढिंचक पटाखा आया है। क्या? सच? कौन? एक दादी और एक दादा भी है। तो दादा पटाखा है? नहीं नहीं, वो फोड़ डालूंगा साले। अबे पोती भी है, सोए सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम चेहरा, हीरे की आंख में जैसे मैंने देखा तो भागते 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 सांस भूल गई, लेकिन तुम लोगों के पास आ गया। क्या बात है, मतलब जिसे ढूंढा गलियों में पगिया में वो मिली घर की खटिया में। क्या बात है मारू, जैसे मैंने देखा तो सोचा तुम लोगों को बता दूं। ए भाई, मेरे दरवाजे पे तो धनलक्ष्मी सीटी मार रही, तुम लोग अपना अपना देख लो। लड़की की तलाश में साथ थे, अब पटाने में भी साथ रहेंगे। हाँ। लेकिन यार ये नाइंसाफी नहीं होगी, लड़की एक और हम चार। अबे तो क्या हुआ, बचपन में एक ही पतंग के पीछे हम लोग भागते नहीं थे टैनी? हाँ। लेकर बस वैसे ही मिलजुल कर कोशिश करते हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा पटाखा उसे ही मिलेगा। हाँ। हाँ। बाकी के फूट लेंगे बिना तकरार के। मंजूर है? बिल्कुल मंजूर। मेरे को दिखने दो, दिख रहा है क्या चेहरा? दिख रहा है? अबे चेहरे की किसको पड़ी है, बाकी मस्त है। ये बायनोक्युलर मेरा है, देखना है तो दूसरा खरीद कर लाओ। अबे अरे यार, इसकी और मेरी जोड़ी क्या बनेगी यार। हवा में नजर चिपकाए क्या हो रहा है? आ? नहीं नहीं, अब हम लोग को लगा उधर कोई चोर उचक्का घुस गया, इसके लिए हम लोग खाली देख रहे थे। माँ कसम, वहाँ चोर उचक्का कैसे घुस सकता है, बड़े बड़े डाकू लुटेरे जो यहाँ रहते हैं। नहीं ये बंदे ऐसे नहीं है चाची। अबे मैं तेरी बात करी, बार 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 निकलो, बारो। चौथा कहाँ है? आ रहा है, आ रहा है। कब से मुझे नींबू मिर्ची की तरह टांग के रखा है, आज पैसे देंगे कल अमीर हो जाएंगे। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली, अभी मेरे चार आदमी आके तुम्हारा कचरा बाहर फेंक देंगे, समझे ना? फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह लो या तो फिर बीच सड़क पे, तुम जाने और तुम्हारे कूड़े लग जाएगा। ये रहा आपका पैसा। ये क्या, इस महीने का किराया कहाँ है? ये महीना खत्म कहाँ हुआ है? ठीक है ठीक है। अबे तू पैसे कहाँ से लाया? वो दुकान का बचा था। तुम्हारे पापा अफगानिस्तान में ना? हाँ। तो वहां तो जंग चल रही है। हाँ। सारे इंडियंस अपने घर वापस आ गए हैं, एक तुम्हारे पापा को छोड़कर। मालूम है क्यों? क्यों? इसकी वजह से। वो गई किधर? एक मिनट एक मिनट। अबे चल। अबे अपना, मुझे भी देखना है। मारू रुकना। लोमड़ी हो? है क्यों ऊपर से
बेताल तांडव कर रहा होगा मेरे सर पे जब मैंने तुम्हें घर दिया। न दिन में चैन न रात में शांति। अबे निकम्मो, खुद तो घूमते रहते हो, जुल्फे उड़ाते, लेकिन बाकी दुनिया तो काम करती है ना, उसे तो सोने दो। मेंढक टटरा रहे कान में कब से, अगर दांत पे दांत बजने की भी आवाज आई ना तो चुटकी में गर्दन पकड़ के कूड़े में फेंक दूंगी मैं। इसकी तो जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ, वो देख। भी गोटी तो तेरा नाम है। अबे नाम क्या, तेल लेने, उधर देख। दिखा। चढ़ने दे मेरे को। मुझे भी तो चढ़ने दे। उतर। क्यों? क्यों ना उतर? अभी तेरे को जाऊँगा यहाँ से। क्या करना? एंट्री लास्ट और यहाँ फर्स्ट। नीचे उतर। क्यों यार? बोला ना उतर। सीनियर्स की इज्जत करना सीखो। पहले हम देखेंगे, बाद में तुम। चाय क्या? ए, ए, ए। झाड़ के ऊपर फूल बन के मत बैठे रहना, कोई दिखे तो सीटी मार देना, ठीक है? हे मारू। हाँ, हाँ। तेरे को कसम है, उसका नाना एग्जैक्टली हाफ हो जाए ना तो वापस आ जाना। हाँ, माँ की आंख आधा हम देखेंगे। हाँ, तब तक वहीं रहो, वहीं रहो। अरे छोड़ना। अरे इतनी देर, साले अब तक आए क्यों नहीं हरामी? अबे लड़की को नहाते तो छोड़, पानी की एक बूंद देखने को भी नहीं मिलेगी, खुजली हो रही है यहाँ पे। कब्रिस्तान में लाज। बैठ गया। जिसके चार हाथ है क्या हुआ? अबे मुझे क्या मालूम, मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। नहीं, कुछ तो हुआ है, साले चिल्ला क्यों रहे? अरे जो भी हुआ होगा उनको, चल हम लोग कल्टी मारते हैं यहाँ से। चल दादाजी, अब तक तैयार नहीं हो? मैं आगे निकलती हूँ, आप गाड़ी लेकर ग्राउंड पर आ जाना। हाँ हाँ, आ रहा हूँ भाई। देखा यार, उसने मुझे देखा। ए, नहीं नहीं नहीं, अरे उसने तुझे नहीं, मुझे देखा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने तो काले चश्मे पहन के रखे थे। हाँ, तो उसमें तुझे देखा क्या? तुझे देखा? किसी को नहीं देखा, मुझे देखा, मुझे देखा। ये मेरे को नहीं देखा, तेरे को देखेगी यार। एक बार देख तो लेती, चार खूबसूरत नौजवान खड़े थे उसके लिए, चार नहीं तीन। चलो तीन नहीं दो नहीं, एक तो था ही। हम सबके चेहरे पर नाक नहीं, नक्शे हैं भूगोल के, इसलिए मैं दिखता, हम दिखते कैसे इस बात पे नहीं उलझते हैं, लड़की हमें कैसे देखेगी इस बात को देखते हैं। हाँ, मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रही है एक राह। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल, बुढ़िया को पटा जाए। क्या? अरे दुनिया की तमाम दादियों को पटाने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है मेरे पास। अरे दादी दादी कह के घर में घुस जाएंगे, फिर कहेंगे कि वो हमारे स्वर्गीय दादी जैसी दिखती है। अरे इस पैतरे पर हर बुढ़िया फिसलती है, लेकिन उसके लिए उन्हें हमारी दादी दिखानी होगी ना। लेकिन एक अकेली दादी हम चारों की दादी कैसे लग सकती है यार, बेवकूफ बना रहे हो। एक मिनट, आइडिया मेरा था, इसलिए मेरी दादी जैसी लगेगी। हाँ हाँ, तो फिर हम चारों इकट्ठे जाएंगे और दादी जाल फेंकेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कल रात शायद बुढ़िया ने हमें देख लिया हो, पहचान लिया, तो प्लान चौपट। आज का मुहूर्त सही है, घर गली सुनसान है और बुढ़िया घर में अकेली है, और अकेली औरत पर मंत्र मारना बड़ा आसान होता है। चल निकलते हैं। ओ बच्चू, क्यों आज नहीं फिर कभी? क्यों क्यों? इस काम के लिए खास हुनर और होशियारी की जरूरत है।
ये करेक्ट लड़का है इस घर में, मुझे पूरा भरोसा है। ए तू जा, बुढ़िया गठरी मार के आ। युद्ध लड़के आ। संभाल संभाल। नमस्ते दादी। हमें भी मरवाएगा, निकलो। नहीं नहीं नहीं, अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? मर जाऊंगा। चिल्ला मत, गोटे ही लोचे हो जाएंगे। अबे सुअर पहले पानी तो डाल, आगे चल रही है मेरी। ला 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 ला, पानी ला, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल। अबे छाती नहीं, आगे चल रही है कुत्ते। चुकना चुकना, तू इतना ऊंचे है। पानी डाल साले दगाबाजो। कैसे दोस्तों, मुसीबत आते ही पेंधे को पैर लाके भाग गए। सबक सीख लिया सालो, अब तो तुम्हारे साथ छाछ भी फूक फूक के पीऊंगा मैं। अरे हमें क्या मालूम तुम खतरे में हो। ए सैम, तुझे मालूम था ये खतरे में? नहीं। ए मारू, हाँ। तुझे मालूम था? हाँ। अबे तुझे क्या मालूम था? ये नहीं बोलना चाह रहा है, हाँ बोल रहा है ऐसे करके। तो मेरी गला भर चीखे नहीं सुनी तुम लोगों ने? तुम चीख रहे थे, हमें लगा तुम और दादी मिलके जोर जोर से हंस रहे हो। सालो किस्मत अच्छी है मेरी, जो कंधों पे अब तक सर बाकी है, नहीं तो तीन बार चूरा घुमाया था उसने यहाँ पे यहाँ पे। क्या होता मेरा? कुछ नहीं रे, बाल का बगीचा कट जाता ये। चुप कर, सारा फोड़ डालूंगा। बस तू दिमाग पे बर्फ घिस के एक बात समझ ले, लड़की को पटाने का तेरा चांस गया। अब तू भुट्टी को शक्ल नहीं दिखा सकता, इसलिए तो लड़की के सामने नहीं जा सकता। चलो एक तो लगता, अब सिर्फ हम तीन उससे शादी करेंगे। हम तीन इकट्ठा उससे शादी करेंगे। क्यों? तो क्या पार्वती ने चार से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी। द्रोही, द्रोही। अबे द्रौपदी, हाँ। द्रोही। वो जो भी हो, हमें क्या, वो माँ भारत है, आज का भारत है। हाँ। हम तीनों का एक लड़की से शादी करना नामुमकिन है। ठीक है फिर, तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं कर लूंगा शादी उससे। अब और इस शहर में मैं नहीं रह सकती। क्या है शहर में? हुंडे मवालियों का शहर। रात की बात तो छोड़ो, कोई दिन दहाड़े मेरी जान के पीछे पड़ गया। क्या हुआ दादी, पैकिंग क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं वापस जाना चाहती हूँ नासिक, वो भी जिंदा। पर हुआ क्या, बताओ तो सही। क्या क्या बताऊं, कोई सुनने वाला हो तब ना। क्या हुआ दादाजी? उसने सपना देखा है कि कोई उसे मारने आया है। सपना? तो तुम्हारा मतलब है कोई मेरी जान लेने नहीं आया था? आया होगा, जरूर आया होगा, लेकिन इसमें गलती उसकी नहीं है। जो भी तुम्हें देखेगा जान लेने की ही सोचेगा। खुद मुझे कई बार ऐसा लगा है। हे भगवान, ये मर्ज़ात। लेकिन तुम्हें मारने की हिम्मत कौन कर सकता है? मैं कर पाया आज तक। और अगर तुम्हें कोई मारने आता तो क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ता? ये तो अच्छा हुआ बचपन में बाऊजी ने कुश्ती सिखाई थी। धावा बोल दिया मैंने उस पर, छुरा लेकर चढ़ गई उसके सीने पे। किसके सीने पे दादी? रितु बेटा, ये शहर खतरों से खाली नहीं है, चल वापस चलते। वापस चले जाए दादी, राहुल भैया के बारे में कुछ भी पता किए बगैर? रितु बेटा, नासिक यहाँ से दूर नहीं है, वहां रहकर भी तो पता किया जा सकता है। नहीं, अगर हमें राहुल भैया के बारे में कुछ भी पता करना है तो हमें यही रहना पड़ेगा। आपको डर लगता है तो आप चले जाइए, दादाजी को भी साथ लेके जाइए, मुझे यहाँ किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और जब तक मैं राहुल भैया के बारे में सब कुछ पता नहीं कर लेती, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। रितु बेटा, अगर इस घर में रहना है तो पूजा तो करवानी होगी। अब भगवान को क्यों अखाड़े में उतारती हो, तुमने तो कुश्ती सीखी है ना? हर बात खीखी करके उड़ा देते हो। अरे सच में इस घर में काले साये मंडराते नजर आते हैं। कल के कल रितु के लिए हवन करवाना ही होगा, जल्द से जल्द एक पंडित का इंतजाम करो। हाँ, क्या पढ़ रहे हो,
कल एग्जाम है क्या? कल से जल्दी उठना, आज बड़ी देर हो गई। चलो निकलते हैं। तुम अपनी जॉगिंग शुरू करो, मैं अपनी हल्की सी कसरत कर लेता हूँ। बड़ा गाड़ी निकाल रहा है, लगता है गाड़ी बिगड़ गई। हमारे होते हुए बेचारा बूढ़ा अकेला धक्का मार रहा है। ए, चलो चलो चलो, ए मक्खी हटाने के बहाने घी के बर्तन में हाथ डाल देते। अरे ये सब छोड़ो, जल्दी चलो, इससे पहले गाड़ी चल पड़े हम लोग। चलो 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 चलो। दादाजी आप टेंशन मत लो, हम लोग आ गए, हम लोग धक्का लगाते हैं, आप लेट हो। अरे बूढ़े तू भी धक्का मार यार। अरे अरे मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? गोटी गलती मार। अरे मेरी गाड़ी, सुअर की औलाद। सर कौन थे वो लोग? उनका राहुल के मामले से कुछ लेना देना तो नहीं? चेहरा देखा किसी का आपने? नहीं, टोपियां थी रंग बिरंगी, लाल हरी नीली, चेहरा दिखाई नहीं दिया। खुश मिजाज था राहुल, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। हम भी हैरान है साहब, बिजनेस भी अच्छा था, निजी मामले कभी बताते नहीं थे, लेकिन ऊपरी तौर पे कभी कोई दरार भी महसूस नहीं हुई। हाँ दरार तो अब यहाँ है, इनके माँ बाप इन्हें मेरे हवाले कर गए थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे संभालूंगा ये सब इस उम्र में। रितु का पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने में अभी साल डेढ़ साल बाकी है जी, उसके बाद तो यही संभालेगी ऑफिस। जी सर। तब तक आप MD की हैसियत से काम कीजिए, आपका नया मकान, इंक्रीमेंट, शेयर्स, ये सब CEO के साथ तय करके मुझे बताइए। जी सर। आइए। और एक बात, इसके बाद मैं दोबारा इस ऑफिस में नहीं आऊंगा। सर ये साइन। बुरी यादों से जूझना मेरे बस का नहीं है, इसके बाद जो भी काम हो वो घर पर भेज दीजिए। सोफी? ये सोफी कौन है? पता नहीं, स्टाफ में से तो कोई नहीं। लास्ट कॉल उसे ही किया है, 6 कॉल्स हुए हैं दिन में। नहीं हमने कभी नाम नहीं सुना राहुल जी से। पिछले महीने के मोबाइल बिल्स दीजिए मुझे। अकाउंट डिपार्टमेंट में ढूंढने पड़ेंगे, जैसे मिलते हैं मैं आपको पहुंचा देता हूँ। भगवान तूने ये मौका दिया। साले भगवान ने मौका नहीं दिया, मैं नहीं देखता तो मौका नहीं मिलता। अबे छोड़ना, अब हम जाएंगे और जाके मेरी उसे बचाएंगे और उसकी आंखों का तारा बनेंगे। अच्छा चल 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 चल
अबे इतनी शांति क्यों है? चिलम चिली भी नहीं हो रही है। अरे साले हो सकता है जागे नहीं हो, हो सकता दम घुट गया हो। अरे तुम लोग बातें मत करो, पाइप से पानी तो उतारो। पानी उतारो, पानी उतारो। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जाके कुएं में कूद, कुएं से जाके पानी लेके आ। जा 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 जा, छोड़ो डल जाएगी अंदर। साले मकान में जा, हटा। बुझा बुझा, अरे थोड़ी जल्दी कर, जल्दी कर, बहुत बड़ी आग लगी है। तो तू भी अंदर घुस जा। अबे साले पीछे क्यों आते? अबे इधर आग लगी है, तुम लोग बाल्टी से खेल रहे हो। अबे सैम कहाँ गया? अबे साला अंदर जाके उसके सामने टिमटिम मारा होगा। दगाबाज साला, मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। साला छाती फुला फुला के डिंगे मारा होगा अकेला। सत्यानाश कर दिया हवन का। राम के पिल्ले तू है कौन? अरे आप बात क्या क्या कर रहा है? गोटी गलती मार। तू वहां पे जा, तू वहां, तू इस तरफ। एक्सक्यूज मी, यस, ये वीसीडी किसके नाम पर दी गई थी आप बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल। राहुल त्रिपाठी। ओह, आप ये मेंबरशिप बंद कर दीजिए। कुछ पेमेंट बाकी हो तो बताइए। आप राहुल को जानते थे या फिर उसके किसी दोस्त को? नहीं, स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन थे। यहाँ एक बॉक्सिंग क्लब है, स्टर्लिंग क्लब, शायद वहाँ आपको जानकारी मिले उनकी। वहाँ का दोस्त भी कोई मिल जाएगा आपको। अच्छा, थैंक यू। मगर आप? मैं राहुल की छोटी बहन ऋतु त्रिपाठी। जी। बकिया, इधर आ। क्या हुआ? देखी तुझे क्या हुआ? हाँ, चल 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 चल। साला दुनिया की सारी माल लड़कियों के भाई लुंगी में घूम रहे, एक इसी के भाई को बॉक्सिंग चैंपियन होना था। चलता है यार, देख थोड़ा खतरा तो उठाना पड़ेगा ना। तू चुप, तू चुप। हाँ बोल बोल, क्या बोलियो? आधे घंटे से घूम रहे हैं, बताना बताना क्या हुआ, बात क्या हुई, बताना बताना। उसने काउंटर पे अपना नाम बोला। बोलना बोलना, नाम क्या उसका? बोलना। ऋतु। वाह क्या बात है, ऋतु पंकज तिवारी, क्या जबरदस्त मैच है। जबरदस्ती का मैच है, हैं? बात तो इसमें ऋतु गौतम सिसोडिया कैसा लगा? छी 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 छी, सब बकवास है, सिसकिया विस्किया सब गंदा है। ये देखना ऋतु समीर आर्या, ऐसा लगता है जैसे दो अधूरे नाम जोड़कर एक पूरा बना है। कहाँ कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कैसा लगता है? ऋतु मार्तन ढमढेरे। क्या रे? ढमढेरे। ऐसा लगता है ड्रम में बंदर कूद रहे। ए, देख देख देख, ऋतु की गाड़ी में कोई कांडी कर रहा है। चल हवा बनाते चल। वो तो रेडीमेड होती है। अरे ऋतु के दिल में अपनी हवा बनाते चल। क्या कर रहा है बे साले? हाँ क्या है, क्या है? को हवा निकालने का बहुत शौक है, हम लोग मुझे जानते नहीं हो। हाँ साले, तो मकारी ऊपर से दादागिरी तेरी तो मारता क्यों है? मारता क्यों है? ले साले को मार, मारो साले को। क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे हो? सही कह रहे, सही कह रहे, अभी मत मारो, अभी मत मारो। ऋतु को आने दो, फिर मारेंगे। उसको भी तो पता चले हम लोग उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। सही बात है ना। तू जा, तू जा, तू जाके देख आ रही है कि नहीं। देखो ये आ रही है, मारना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, जमा देगी ऋतु के साथ। मारो, निकाल देते।
तेरी हवा भर चल चल हवा भरा इससे साले खूबसूरत लड़कियों की हवा निकालता है मारो साले खूबसूरत लड़कियों की हवा निकालता है कहानी और ये नहीं गोटी कल्टी मार आ गया बूढ़ा आ गया अब मैं जाता हूँ और झंडे गाड़ के आता हूँ। एक मिनट ब्रेक मार तू क्या गुल खिलाने वाला है मैं पहले ही बता दे। हाँ पहले मैं वहाँ जाऊँगा फिर और फिर जानबूझकर हल्के से बूढ़े से टकराऊंगा और फिर मैं पलट के देखूंगा। अरे आप राहुल के दादाजी तो नहीं है? इस पैतरे से अगर बूढ़ा नहीं गिरा तो मेरी कदकाठी और कम कर देना। अब इससे ज्यादा क्या कम होगा? और तू संभाला रितु के मामले में अपनी बड़ी पनवती लगी है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे सारे आइडिया घटिया थे। अरे कचरे में कमल थोड़ी खिलेगा। देखते जाओ कैसे विकेट गिरा के आता हूँ मैं। अरे कहाँ से जाएगा? अबे अंधे हो दिखाई नहीं देता? जी मैं अभी उठा देता हूँ। अभी उठा देता हूँ। आखिर पूछी है क्या ये सब चीप बोली दवाई? अरे बेटी बात सुनो, देखो मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छोड़ने की? अबे भागो भारू को निकालो जल्दी।